जो एक्सपेक्टेशन था वो नहीं हो पाया, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद मतलब जो सोच के आए थे वो नहीं हो पाया, तो उस वजह से मतलब 1% भी हम खुश नहीं है तो ये बोल सकते हैं, लेकिन लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हो गया उसको एक्सेप्ट करना होता है, और शायद माता रानी की यही इच्छा थी कि ये हो, क्या पता इससे मेरा लाइफ का कुछ अलग चैप्टर शुरू हो, तो इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ और आगे के लिए देखती हूँ और कि नेक्स्ट टाइम मैं और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। कहाँ लगा कि गलती हो गई, कहाँ लगा कि छूट गई? मैंने मेरे हिसाब से जहाँ 4 साल का इस प्रिपरेशन में मैंने कहीं कमी नहीं रखी, मतलब हर हर तरीके से, हर एक कॉर्नर को, क्योंकि मेरा लास्ट ओलंपिक एक्सपीरियंस था तो मैं इस हिसाब से इस ओलंपिक में उसी तरीके से प्रिपेयर होके आई थी, और मैं पूरी कॉन्फिडेंट थी कि मैं इस बार मैं कलर चेंज करके आऊँ मतलब इंडिया वापस आऊँगी बोल के, लेकिन नहीं हो पाया। तो मुझे अभी तक मुझे समझ में नहीं आया था है कि मेरा कहाँ कमी रह गया, शायद वो कमी पता होता तो मैं शायद चैंपियन बन के जाती। अच्छा फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग आए हैं और इतने सारे फैन हैं, लेकिन थोड़ा बुरा भी लगता है कि सब एक्सपेक्ट करते हैं, उस एक्सपेक्टेशन में हम जब खड़े नहीं हो पाते हैं तो वो खराब फील होता है थोड़ा सा, लेकिन हाँ फिर भी लोग फिर इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उसी सपोर्ट से कि हमें खड़े रहना है, स्ट्रांग रहना है और फिर से हमें कमबैक करना है, उससे मोटिवेट मिलता है। आपकी जैसी और लड़कियां आगे आए इस खेल में, आप उनके लिए क्या कहेंगे, गर्ल्स पार्टिसिपेट? मैं यही बोलना चाहूँगी कि लाइफ में हार जीत, जैसे मैं अपनी हार के बाद भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि लाइफ में हार जीत आते रहते हैं, हमें कभी टूटना नहीं चाहिए, हर हार से हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं और स्ट्रांग होके उभर के आते हैं। तो सभी को यही बोलूँगी कि अपना जो होप है उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक होप ही लोगों को जिंदा रखते हैं और आगे लेके जाने का एक रास्ता। मुझे लगता है कि जितना मुझे अभी तक जो कुछ भी मिला है, क्योंकि ऑलरेडी मैं मेडल के बाद जितना सपोर्ट मुझे मिला है, लोगों से मिला है, ऐसे गवर्नमेंट से मिला है, स्पॉन्सर्स से मिला है, तो मुझे लगता है कि ये सपोर्ट की मेरे में कोई कमी नहीं थी। मुझे और मुझे अपने ऊपर ही ध्यान देना है कि मुझे और ज़्यादा स्ट्रांग होके आगे बढ़ना है, मुझे अपने आप को देखना है। कौन है और आप ये मेडल किसे डेडिकेट करेंगी, और ये कलर चेंज करने के लिए गोल्ड मेडल आए नेक्स्ट ओलंपिक्स में, उससे भी आप क्या करना चाहेंगे, आइडल कौन है पहले? किसी एक को मैं आइडल की तरह से नहीं हो करती हूँ, मुझे पूरा भरोसा भगवान के ऊपर होते हैं। मुझे लगता है कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें मिलता है, क्या पता मेरा कर्म में कुछ कमी रह गई जिस वजह से मुझे जो मेरा सपना था वो नहीं हुआ। अभी यही है कि मैं और मेहनत करूंगी और जितना जहाँ रह गया वो करूंगी और आगे बढ़ूंगी बस।